आज हम बनाने वाले हैं होममेड पिज्ज़ा। उसके लिए जो सामान लगेगा मैं पहले ये आप सबको ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको ये पिज्ज़ा बेस लगेगा, उसके बाद पिज्ज़ा टॉपिंग, उसके बाद अमूल चीज़, और सब्जियों में लगेगा हरी रंग की शिमला मिर्च, उस पर आप कलर वाली भी यूज़ कर सकते हो, पीले लाल पर मैंने लाल के ये टोमेटो लिए हैं, और ये ओनियन, और ये स्वीट कॉर्न यानी मक्का। तो ये सब चीज़ें से हम आज बनाएंगे होममेड पिज्ज़ा। तो हम सबसे पहले सब्जियों को काट लेते हैं। मैं सबसे पहले ले रही हूँ शिमला मिर्च, तो हम ऐसे इसके छोटे छोटे पीस करके इसको काट देंगे। तो इस तरह से हमने सारी सब्जियों को पिज्ज़ा बेस पर लगाने के लिए रेडी कर दिया है, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख दिया है। अब मैं आपको पिज्ज़ा बेस पे कैसे इसको सब्जियों को टॉपिंग करती है वो आपको मैं अभी बता रही हूँ। जो रेडीमेड बाज़ार में आसानी से आपको ये पिज़्ज़ा बेस ऐसा मिल जाता है, तो मैं ये पिज़्ज़ा बेस रेडीमेड लाई हूँ। अभी मैं ये पिज़्ज़ा बेस में सबसे पहले पिज़्ज़ा टॉपिंग अप्लाई करूँगी। और इस तरह से आप ये बटर नाइफ से इसको अच्छे से इसको ऐसे स्प्रेड करना है। इसके बाद हम लेंगे अमूल चीज, ये बड़े पैक में भी मिलता है, तो आप इसका बड़ा पैक भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ को पूरे बेस पर ऐसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। फिर अभी इस पर हम अप्लाई करेंगे अपनी कटी हुई सब्जियाँ। तो इस तरह से हमने ये पिज़्ज़ा बेस पर सब्जियाँ सजा दी है, और लास्ट में यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी हमने डाल दिया है, और लास्ट में अच्छा सा टेक्सचर है इसलिए और एक बार हमने चीज़ को ग्रेट करके स्प्रेड कर दिया है। अभी हम इसको पकाएंगे ओवन में। अभी ये हमारा पूरा पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है और ये पकने के लिए भी रेडी है। तो मैं ये पिज़्ज़ा को पकाने के लिए मेरे घर में जो ओवन है मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो आप इसका तवे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं ये ओवन को मीडियम लो पे रखा है और 10 मिनट्स के लिए मैं ये ओवन में पकने के लिए रख रही हूँ। अभी मैंने पिज़्ज़ा माइक्रोवेव से बाहर निकाला, ये पिज़्ज़ा पूरी तरह से अपना रेडी हो गया है। अभी मैं अपनी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो डालना, नहीं तो ये पूरा ऑप्शनल में है। इस तरह से हमारा ये पिज़्ज़ा पूरा होममेड तैयार हो गया है।